हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आपका ये जो वीडियो आपको आप देखने जा रहे हैं, इस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हो सकता है। आपको मालूम है कि गाड़ी हमने जो इग्निस ली है, इसको लगभग एक महीना हो गया और कुल मिलाकर ये 200 किलोमीटर प्लस चल चुकी है। तो इसको हम आज लेके जा रहे हैं सर्विस के लिए। तो बेसिकली सर्विस की जो ये वीडियो है, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ये इसलिए होने वाली है कि आपको इस वीडियो से पता चलता है कि सर्विस में क्या क्या चीज़ें अभी होंगी जो आपकी 1000 किलोमीटर यहाँ एक महीने की जो टारगेट कंपनी आपको देती है सर्विस करवाने के लिए फ्री सर्विस का, उसमें फ्री सर्विस के साथ साथ किस चीज़ का चार्ज लगता है, क्या कोई हिडन चार्ज होता है जो हमको नहीं पता लगता, वहाँ जाकर पता लगता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि फर्स्ट सर्विस में क्या चेंज होता है, क्या कॉस्ट आती है, पैसे लगते हैं लगते, वॉशिंग है या नहीं, लुब्रिकेंट करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ें हम इन्फॉर्म आप सभी को करेंगे इस वीडियो पर कि एक महीने की इग्निस की जो सर्विस है उसमें क्या चीज़ें कंपनी ऐड करती है। और साथ ही आपको ये बताएंगे कि सर्विस का जो कंपनी का आज इतने बड़े लार्ज स्केल पर कंपनी मारुति पहुंच चुकी है, उसका क्या मतलब आपको अटेंड किस तरीके से किया जाता है, आप उनका इम्प्रेशन क्या है, उनका मतलब किस तरीके का आपके साथ बिहेवियर रहता है, वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और साथ ही क्वालिटी सर्विस की पता लगेगी कि क्या मतलब कैसी सर्विस है, क्या एटमॉस्फेयर है, क्या सिस्टम है। तो ये सभी चीज़ें काम की हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर्विस सेंटर पहुंच रहे हैं अभी और वहां पहुंच के आपके साथ शेयर करेंगे हम अपनी सर्विस की आज की ये वीडियो, जिसमें बताएंगे क्या चार्जेस हैं और हमारा कैसा सिस्टम रहा, क्योंकि कॉलिंग काफ़ी दिनों से मारुति की आ रही है कि सर्विस करवाइए आकर। तो ये सभी चीज़ें अपनी बेस मॉडल जो हमने सिग्मा लिया है इसमें हम आपको शेयर करेंगे। तो चलिए पहुँचते हैं और बताते हैं आपको सर्विस स्टेशन पर किस तरह का हमारा आज का दिन ये रहने वाला है। गाइस देखिए, हम यहाँ सर्विस सेंटर पहुँच चुके हैं, कॉम्पिटेंट के गाजीपुर में ये सर्विस सेंटर है। यहाँ पर गाड़ियों की मीटर रीडिंग नोट की जा रही है सबसे पहले कि गाड़ियों की मीटर रीडिंग कितनी है, गाड़ी जो चल के आई है, गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी कौन सा मॉडल है, कौन सा मेक है, ये इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर नोटिस किया जाता है। और लाइन में गाड़ियाँ लगी रहती हैं, यहीं से आगे स्टेप बाय स्टेप गाड़ियाँ आगे बढ़ेंगी। तो ये अपनी इग्निस खड़ी हुई है यहाँ पर सर्विस के लिए, और सबसे पहले ये इग्निस में जाकर ये टेस्ट करेंगे कि गाड़ी कितना किलोमीटर चली हुई है। तो ये अब यहाँ पर तो इस तरीके से ये नंबर लगाया जाता है शीशे के ऊपर लिख के, और गाड़ी की डिटेल चेक की जाती है, गाड़ी किस तरीके से कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं लगा हुआ, ये सब चीज़ें नोट की जाती है यहाँ पर। बाकी मिलेंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से सर्विस का आगे क्या प्रोसीजर रहता है। फाइनली लेवल टू में अभी जो है गाड़ी की जो क्लीनिंग का सेकेंड लेवल है, उस पर गाड़ी को पूरा खोल कर एयर प्रेशर से पूरी डस्ट निकाली जाएगी, जो कि डस्ट अगर कहीं पर भी है सीट के नीचे की भी डस्ट, एयर प्रेशर इतना तेज़ होता है कि सारी डस्ट निकल जाती है। तो अपनी इग्निस सर्विस के लेवल टू पर पहुंच चुकी है और जल्दी ही इसका जो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से अच्छे खासे बढ़िया एयर प्रेशर से गाड़ी की पूरी डस्ट को बाहर निकाला जाएगा। थर्ड लेवल में गाड़ी वॉशिंग के लिए आगे जाएगी। तो ये पूरी लाइन आप देख सकते हैं पीछे तक की, पूरी लाइन गाड़ियों की लगी हुई है और ये लाइन से नंबर आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का आपका नंबर जल्दी आ जाए, तो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग अगर आप सर्विस स्टेशन पर आ जाएंगे सो दैट आपका समय बचेगा, आप जल्दी से गाड़ी की सर्विस करवा के निकल सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की ये पहली सर्विस है तो इसमें बहुत ज़्यादा बेसिकली काम नहीं होने हैं। फिर भी हम आपको सर्विस कंप्लीट होने पर बताएंगे कि फर्स्ट सर्विस इग्निस की गाड़ी की इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं और क्या चीज़ें इसमें की जाएंगी। तो अभी देखते हैं यहाँ पर जो एयर प्रेशर से यहाँ पर गाड़ी को क्लीन किया जाएगा, और जो कि बहुत अच्छा एयर प्रेशर है, काफ़ी इम्प्रेसिव जो है ये इसमें आपको देखने को मिल जाता है एयर प्रेशर। और गाड़ी का एयर प्रेशर से डिक्की एरिया जो है, कारपेट वगैरह सभी क्लीन किए जा रहे हैं, कहीं कहीं जो डस्ट है वो अच्छी खासी एयर प्रेशर से डस्ट आपकी निकल जाएगी। और यही एयर प्रेशर अब जो रियर सीट पर पीछे की तरफ देखिए एयर प्रेशर किया जा रहा है, डोर्स के मैटिंग जो है, डोर्स के साइड्स में मैट्स को निकाल कर ऊपर रख दिया गया है, और जिससे कि एयर प्रेशर से पूरा कारपेट जो नीचे का क्लीन किया जा रहा है। तो ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करते हैं यहाँ पर, इसका कॉम्पिटेंट का मारुति का जो ऑथोराइज सर्विस स्टेशन है, यहाँ जब अपनी पहली सर्विस के लिए आते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से इसकी देखिए किस प्रकार से सीट के नीचे भी क्लीनिंग की जा रही है, और जिससे वहाँ से भी सारी डस्ट निकल जाए। ये इस तरीके से सारे मैट्स निकाल दिए जाते हैं, मैट्स सीट के ऊपर रख दिए गए हैं, पूरी गाड़ी के डिक्की सीट वगैरह सारी आगे पीछे करके।
गाइस लेवल टू में जो ये आप देख रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है कि गाड़ी की कम्प्लीटली जो है डस्ट निकाल दी गई है। और डस्ट निकालने के बाद अभी इसमें आगे जो हमारा जो पूरी बॉडी है गाड़ी की सारी, वहाँ से एयर निकाल कर सारा क्लीनिंग कर दी गई है एयर प्रेशर से, और अच्छे से डस्ट सारी निकल गई है। अब यहाँ से गाड़ी आगे वॉशिंग के लिए वहाँ जाएगी। उस सामने जो एरिया आप देख रहे हैं वहाँ पर गाड़ी वॉश हो रही है, वहाँ से वॉश होकर गाड़ी अगले लेवल 4 के लिए जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पर, गाड़ी वॉशिंग होती है। तो गाइस देखिए इस तरीके से मैटिंग हटाकर यहाँ पर क्लीनिंग की गई है, और बाकी जो है गाड़ी अब वॉशिंग के लिए यहाँ से आगे जाएगी। फाइनली गाड़ी के वॉशिंग एरिया में ऊपर जाने का लेवल जो नेक्स्ट है वो कंप्लीट करने वाले अभी हम। गाड़ी की अब वॉशिंग यहाँ से, क्लीनिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, और देखते हैं किस तरह की वॉशिंग क्लीनिंग यहाँ पे होती है, सेटिस्फैक्ट्री मिलती है या नहीं मिलती है। तो अपनी जो इग्निस है वो चढ़ चुकी है। वॉशिंग एरिया में ये कुछ इस तरीके का, ये मैंने देखा अभी, फाउंटेन टाइप है ये। गाड़ी जब इसके ऊपर आती है तो गाड़ी के नीचे की जो मिट्टी है वो हटाने के लिए यहाँ पर ये लगाया गया है। तो बड़ा अच्छा फीचर लगा मुझे कॉम्पिटेंट का, ये वॉशिंग एरिया के लिए बहुत अच्छा फीचर है। प्रेशर तेज कर देते हैं और सारी डस्ट मिट्टी निकल जाती है। तो गाइज ये वॉशिंग से ये साइड डोर्स क्लीन किए जा रहे हैं, फेंडर एरिया क्लीन ये कर चुके हैं, और ये डोर्स के साइड में देखिए पानी का प्रेशर काफ़ी अच्छा प्रेशर है। वॉशिंग के लिए कंप्लीट एक, जिसको कह सकते हैं कि एक हर तरीके से क्लीन करने वाला प्रेशर, पानी का बहुत अच्छा प्रेशर यहाँ पर कॉम्पिटेंट में देखने को मिलता है। मैटिंग के ऊपर अच्छे से पानी मारा जा रहा है, जो हमारी गाड़ी की मैटिंग क्लीन की जा रही है। बॉडी पर, फ्रंट बम्पर पर अभी क्लीनिंग शुरू हो गई है कपड़े से। और देखिए इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारी गाड़ी क्लीनिंग की जा रही है। गाड़ी को आगे की फाउंटेन पर गाड़ी देखिए चढ़ाई जाएगी, और ये गाड़ी उसके ऊपर चढ़ चुकी है, जिससे कि उसके प्रेशर से नीचे की जो डस्ट है वो निकल जाएगी। तो गाइस ये कुछ इस तरीके की, यहाँ पर देखिए आपको वॉशिंग हमारी शुरू हो चुकी है गाड़ी की, और काफ़ी अच्छा पानी का प्रेशर है। और यहाँ पर जो कुछ इस तरीके की लाइन देखिए, पीछे लंबी लाइन है गाइस, तो आना जल्दी पड़ेगा आपको, नहीं तो इस लाइन का शिकार होना पड़ेगा और काफ़ी समय लग जाता है यहाँ पर। अभी जो ये वॉशिंग की जा रही है, ये इसका जो नॉर्मली, अगर आप जैसे हमारी तो फ्री सर्विस में अभी इसकी वॉशिंग चल रही है गाड़ी की, अगर आप नॉर्मली वॉशिंग करवाने यहाँ पर आते हैं तो 1200 रुपये चार्ज लगते हैं। उस वॉशिंग के चार्जेस तो ये लेते हैं, लेकिन एक क्वालिटी वॉशिंग आपकी गाड़ी की यहाँ पर होती है। जिस तरीके की चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाती है वो सभी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, और अच्छी वॉशिंग की जाती है, काफ़ी अच्छी वॉशिंग। नीचे का मैंने यहाँ बताया था, एक फाउंटेन है जिसके ऊपर गाड़ियाँ भी चढ़ी हुई हैं, ताकि नीचे बॉडी लाइन, बॉडी के नीचे जो इंजन साइड है, नीचे का फ्लोर है, उसकी नीचे की सारी मिट्टी निकल जाए। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है वॉशिंग का। यहाँ का जो फेंडर एरिया है, फेंडर एरिया के अंदर अच्छे से मिट्टी निकालने के लिए पानी मारा जा रहा है। जो फेंडर एरिया है वहाँ पर अच्छे से डस्ट निकालने के लिए पेट्रोल फ्यूल टैंक का एरिया भी एक एक जगह यहाँ क्लीन की जाएगी। तो काफ़ी अच्छी वॉशिंग जो है, क्वालिटी वॉशिंग, देखिए फेंडर के नीचे जो अच्छे से डस्ट निकाली जा रही है, और क्योंकि वहाँ जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वो क्लीन हो जाती है काफ़ी अच्छे एयर प्रेशर के साथ। तो यहाँ से वॉशिंग के बाद गाड़ी अभी आगे निकलेगी, और फिर हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट लेवल पर अब गाड़ी के साथ क्या काम होने वाला है। गाड़ी में ये दोबारा से वॉशिंग के लिए इन्होंने शैम्पू बेस्ड लिक्विड लगाया है, और वॉशिंग चल रही है अभी। काफ़ी अच्छा सिस्टम है और बहुत ही इम्प्रेसिव वॉशिंग है यहाँ की, कॉम्पिटेंट की फर्स्ट सर्विस के अंदर हमारी जो एग्नेस है। गुड क्लीनिंग, हर जगह पर, बॉडी के हर पार्ट पर पानी अच्छे से प्रेशर से लगाया जा रहा है। गाइस ये देखिए गाड़ी हट रही है, गाड़ी हटने के बाद ये नीचे किस तरह का फाउंटेन प्रेशर है, जो प्रेशर मारा जा रहा है नीचे से, जो लगा मैंने बताया था आपको, एक यहाँ पे गाड़ी के नीचे प्रेशर है जिससे पूरी गाड़ी की इंजन की सारी डस्ट निकल जाएगी। और ये नीचे एक फाउंटेन निकलेगा अभी देखिए इसके नीचे गाड़ी के ठीक, ताकि गाड़ी को आगे पीछे करके पूरी तरीके से गाड़ी के नीचे की जो डस्ट है, बॉडी की नीचे की फ्लोर की, वो सारी फर्श की जो डस्ट है, सारे डस्ट पार्टिकल्स निकल जाएं अच्छे से। गाड़ी अभी आगे होती है तो नीचे मैं दिखाता हूँ आपको, उसके नीचे इस तरीके से ये देखिए, ये यहाँ पर जो एक ये लगा हुआ है,
बहुत अच्छा एक ये इम्प्रेसिव मुझे लगा। गाड़ी अपने आप जैसी निकलती है तो ये यहाँ से प्रेशर इसका कम हो जाता है। तो नेक्स्ट लेवल के लिए गाड़ी नीचे जाते हुए और मिलते हैं नेक्स्ट। सो गाइस, वॉशिंग क्लीनिंग के लास्ट लेवल पर गाड़ी हमारी आकर खड़ी हो गई है। यहाँ से इसकी क्लीनिंग पॉलिशिंग होगी और उसके बाद गाड़ी अंदर जाएगी हमारी सर्विस स्टेशन के अंदर। वहाँ से जो है देखते हैं लास्टली क्या हमें देखने को मिलता है। वॉशिंग के बाद अब जो पानी क्लीन किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर भी वाटर ड्रॉप्स हैं उनको सबको ड्राई किया जा रहा है। और ड्राई करने के बाद जो है डैशबोर्ड पर देखिए ये पॉलिशिंग की जाएगी। और ड्राई करने के बाद ये इसको जैसे कि पानी वाटर ड्रॉप्स रहेंगे तो वो क्लीन नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद ये डैशबोर्ड पर देखिए क्लीनिंग चल रही है और उसके बाद पॉलिशिंग की जाएगी। कम्प्लीटली गाड़ी को सुखाया जा रहा है जिससे कि पॉलिशिंग का आगे का फंक्शन स्टार्ट हो सके। ये पॉलिशिंग की जा रही है। के बाद गाड़ी का क्या लुक आएगा, अभी आप ग्लास पर देख सकते हो कि जो हमारा डिटर्जेंट है वो अभी ग्लास पर शो कर रहा है हमें। और उसके बाद जब ये क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी, पॉलिशिंग हो जाएगी, उसके बाद कैसा लुक आता है, किस तरीके की सर्विस ये देते हैं, ये आपको हम बताएंगे अभी। कंप्लीट जब गाड़ी ड्राई हो जाएगी, पॉलिशिंग हो जाएगी उसके बाद, और नेक्स्ट लेवल पर जो गाड़ी है अभी हमारी जाएगी अंदर, जहाँ पर हमारा इंजन का ऑयल चेक किया जाएगा, हमारा ब्रेक ऑयल चेक किया जाएगा और अगर ज़रूरत होगी तो उसको टॉपअप किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल में बताएंगे आपको गाड़ी के अंदर किस तरीके से क्या काम और होते हैं। फाइनली गाड़ी का ये ड्राई क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है और गाड़ी यहाँ से निकलकर, अब आपको बता दूं मैं, सामने ये वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप के अंदर यहाँ से गाड़ी जाएगी। जो गाड़ी बाहर आ रही है यहाँ से गाड़ी अब अंदर जाएगी नेक्स्ट लास्ट लेवल के लिए। उसके बाद हम बताएंगे आपको आगे क्या होता है। कस्टमर लॉन्ज बना हुआ है, जो कस्टमर यहाँ गाड़ी लेकर आते हैं सर्विस के लिए उनके बैठने का यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है कुछ इस तरीके से। गाड़ी आप सर्विस के लिए लेके आते हैं तो यहाँ पर आप बैठकर वेट कर सकते हैं, आपको समय लगता है तो एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दी गई, टी कॉफ़ी भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तरीके का यहाँ पर ये वर्कशॉप बना हुआ है जहाँ पर गाड़ियों के सभी गाड़ियों के काम होते हैं और यहाँ अभी हमारी गाड़ी भी पहुँचने वाली है। कस्टमर लॉन्च में आप बैठकर अपनी गाड़ी को सर्विस होते हुए देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा लॉन्च बना हुआ है यहाँ पर। टी आपको चाय आपको यहाँ कंपनी की तरफ से फ्री ऑफर की जाती है। तो कुछ इस तरीके का ये एरिया है जहाँ पर आप बैठ के गाड़ी के सर्विस के लिए वेट भी कर सकते हैं और चाय यहाँ पर आपको सर्व की जाती है कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज़ माय टी। तो यहाँ बैठिए, वेट कीजिए और चाय का आनंद लीजिए। गाड़ी अंदर जा रही है वर्कशॉप के, अपनी आगे खड़ी हो गई है वर्कशॉप के अंदर, लेकिन इससे सुगाई सर्विस एरिया में जाना मना है और साथ ही वीडियोग्राफी नहीं हो सकती। फिर भी कोशिश करें कि क्या आपको दिखा सकते हैं। ये इसका टोटल सर्विस एरिया है जहाँ पर ऑयल चेकअप किया जाएगा। तो यहाँ पर इंजन ऑयल और ब्रेक ऑयल चेक किया जाएगा, अगर कुछ कम होगा तो टॉपअप किया जाएगा। तो ये वो एरिया है जहाँ पर गाड़ी लास्ट हमारे लेवल पर आएगी। तो मिलते हैं गाड़ी फाइनली, डिलीवरी लेते हैं और डिलीवरी के टाइम पे देखते हैं नेक्स्ट लास्ट लेवल हमारा क्या रहता है। नट खोल दिया गया है, इसका वाटर लेवल पूरा करेंगे और इसको ग्रीसिंग करेंगे। आगे से इसका बोनट खोल दिया है और ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ से कुछ इस तरीके की ये वाटर बॉटल है, ये इसमें ऐड की जाएगी और ग्रीसिंग की जाएगी इसकी कुछ इस तरीके से। क्लीनिंग के बाद इंजन की पोजीशन है। अच्छा, इसमें बैटरी वाटर अभी चेक किया जाएगा और कूलेंट टॉप अप किया जाएगा।
तो ये ब्रेक ऑयल है, पूरा है आपका। ब्रेक ऑयल पूरा है और कूलेंट को आप टॉप अप कर दिया आपने। भी चेक किया गया है कि ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी वाटर भी कंप्लीट लेवल तक है। बैटरी का चेक करने के बाद इसमें पानी डाला गया है, कुछ ग्रीसिंग की जा रही है कुछ पॉइंट्स पर ताकि वो प्रॉपरली वर्क करते रहे। तो फाइनली गाइस, जो ज़्यादातर चेकअप्स थे वो हो चुके हैं, गाड़ी के अंदर पानी डल गया है, जो हमारा वाइपर जब मूव करता है उसके साथ जो पानी सपोर्ट करता है वो डल गया, बैटरी चेक हो गई, कूलेंट हमारा इसके अंदर चेक कर लिया, उन्होंने टॉप अप कर दिया है। ब्रेक ऑयल उन्होंने बताया कि ब्रेक ऑयल कम्प्लीटली पूरा है, यहाँ से ब्रेक ऑयल चेक किया था और ब्रेक ऑयल पूरा है और बैटरी के लेवल जो पानी का वो भी पूरा है। तो सभी चेकअप्स हो चुके हैं, मिलते हैं गाड़ी से बाहर आकर, लास्ट हमारा जो लेवल होगा उसमें मिलते हैं आपसे। सर्विस की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने सारे पार्ट्स बताए सर्विस के, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सर्विस होती है। ये टायर के ऊपर अभी ये एक तरह की पॉलिश है जो लगा रहे हैं, जिससे कि टायर की शाइनिंग अच्छी निकल कर आ जाती है और गाड़ी को यहाँ पर पॉलिशिंग किया जाएगा। लास्ट लेवल है, यहाँ से गेट पास हमने ले लिया है, गेट पास लेकर यहाँ से गाड़ी बाहर निकालेंगे, थोड़ी सी और क्लीनिंग करेंगे, ग्लासेस वगैरह विंडो के यहाँ साफ़ किए जाएंगे, कुछ पॉलिशिंग की जाएगी और उसके बाद गाड़ी हमें यहाँ डिलीवर कर दी जाएगी। तो गाइस, पूरे इस एपिसोड में जो हमारी गाड़ी की सर्विस हुई, इसमें जो बिल आया मैं आपको बता देता हूँ, 54 रुपीज़ का बिल आया है। ये देखिए आप, यहाँ पर लिखा है, ये टोटल 54 रुपीज़ का ये बिल आया है कंपनी के, जो हमें अभी बिल दिया है, तो ये 54 रुपीज़ का बिल है। फ़र्स्ट सर्विस के अंदर इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं मैंने सब कम्प्लीटली आपको बताई है, कि इसके अंदर वॉशिंग इसकी हुई है और ब्रेक ऑयल हमारा चेक किया गया, इंजन ऑयल चेक किया गया, बैटरी वाटर चेक किया गया, हमारा टॉप अप किया गया था, हमारा जो कूलेंट है वो टॉप अप किया गया था और साथ ही बहुत अच्छे से वॉशिंग क्लीनिंग हुई और बहुत अच्छी क्लीनिंग इन्होंने करके दी है। तो ये हमारी फ़र्स्ट सर्विस का, जो हमने इग्निस गाड़ी परचेज़ की है सिग्मा, उसका ये वीडियो था। आगे आपको कुछ और नए अच्छे वीडियोस हमारे मॉडिफिकेशंस के देखने को मिलेंगे जो आपको हम दिखाएंगे। जो चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और बताएं आपको हमारी ये वीडियो सर्विस की कैसी लगी। तो हम आपको गाइज मिलेंगे, सर्विस की ये वीडियो यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ, हम दोबारा मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।